दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। एक दूसरे से बात करने में भी शर्म महसूस होती है, झिझक महसूस होती है और लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मतलब उन्हें इस टॉपिक पे बात नहीं करना पसंद होता है और साथ ही साथ लेकिन वो सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन और बेचैनी महसूस होती है। आज मैं सिर्फ इस समस्या को दूर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा दोस्तों, ये हमारा अनुरोध है आपसे। तो मैं डॉक्टर सिंह, आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो जो समस्या है उसका नाम है इम्पोटेंसी या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकता या फिर मर्दानगी का कम होना। लेकिन जो मेजर कॉज है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। नंबर वन कॉज जो है उसका नाम है एंडोक्राइन डिजीज, जैसे कि डायबिटीज या फिर नर्व डैमेज होना, इसको एंडोक्राइन डिजीज कहते हैं। जिसको भी ये समस्या है उनको ये समस्या हो सकती है। अगली जो समस्या है दोस्तों उसका नाम है न्यूरोलॉजिकल या फिर नर्व डिसऑर्डर, जैसे कि एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज या फिर ब्रेन ट्यूमर्स, इसकी वजह से भी इम्पोटेंसी की समस्या हो सकती है। अगला जो कॉज है वो है टेकिंग मेडिसिन लंबे समय से। अगर आप मेडिकेशन कर रहे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं या फिर डायबिटीज की दवाएं या फिर एनी अदर डिजीज की दवाएं जो लंबे समय तक आप मेडिकेशन कर रहे हैं ले रहे हैं, तो भी ये आपको इम्पोटेंसी पैदा कर सकती है और ये ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है दोस्तों। नेक्स्ट जो कॉज है वो है कार्डियक रिलेटेड कंडीशन। कार्डियक रिलेटेड कंडीशन से भी जो है ब्लड फ्लो हैम्पर होता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आपको हो सकती है दोस्तों। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आज के जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हम देर रात में सोते हैं और सुबह में काफ़ी देर में जगते हैं, फूडिंग कल्चर हमारा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग हो रहे हैं और इम्पोटेंसी भी समस्या उसकी वजह से हो रही है। इमोशन डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सैडनेस की वजह से भी ये समस्या दोस्तों हो रही है और एक मेजर सिम्टम्स में से एक है दोस्तों। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर नपुंसकता या फिर मर्दानगी का कम होना कहते किसे हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे आम बोलचाल की भाषा में नपुंसकता कहते हैं, यह उनके लिए इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है जो कि अपने इरेक्शन को लंबे समय तक होल्ड नहीं रख पाते हैं और कुछ सेकेंड में ही खत्म हो जाता है या फिर होता ही नहीं है दोस्तों। बस इसी के लिए मैं आपको कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ध्यान से मेडिसिनों के बारे में आप सुनिएगा और उसके अंतर्गत कौन कौन से पेशेंट आते हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मेडिसिनों को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट में अगर आप मेडिकेशन करते हैं दैट विल गिव यू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। और आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नाम, नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है दोस्तों। तो चलिए मेडिसिन के बारे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली जो मेडिसिन है उसका नाम सेलेनियम है। सेलेनियम दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जिससे मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंटों को ठीक किया है और ये बहुत ही अच्छी दोस्तों मेडिसिन है। इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में ध्यान दीजिएगा कि पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं जिससे उसको सेलेनियम दिया जा सके या पेशेंट सेलेनियम ले सके। तो पहली जो कॉज है वो है स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया दोस्तों उस टर्म को कहते हैं कि अगर आपका चलते फिरते, उठते बैठते, वाइल पासिंग यूरिन, पेशाब करने के दौरान, वाइल पासिंग स्टूल, शौच जाने के बाद अगर चिपचिपा सा कोई पदार्थ आपके पेनिस से लगातार बाहर आता है, ऐसा आपको लगता है जैसे कुछ न कुछ एक फ्लो लगातार हो रहा है और चिपचिपा सा कोई एक पदार्थ सब्सटेंस बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको स्पर्मेटोरिया कहते हैं। बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं स्पर्म का लगातार बाहर आना। तो अगर ये समस्या है तो सेलेनियम के लिए परफेक्ट पेशेंट है वो। साथ ही साथ इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। किसी समय में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था लेकिन अभी उसकी आंखें धस गई हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं। इसके अलावा उनका जो प्राइवेट पार्ट है यानी कि पेनिस है वो भी ज़्यादा काफ़ी पतला हो चुका है, कर्व्ड हो चुका है, बॉडी कमज़ोर हो गई है,
डिज़ायर उनकी बहुत ज़्यादा है लेकिन जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब परफॉर्मेंस की एबिलिटी बहुत कम है। डिज़ायर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस की एबिलिटी काफ़ी कम है। कड़कपन बहुत ज़्यादा कम है। जिन्हें प्रोस्टेट की भी समस्या है उनके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। उनको सेलेनियम 200 पोटेंसी की दिन भर में एक बार 3 से 4 बूंद डायरेक्ट चीख पर। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही पुराने समय से लोग लेते चले आ रहे हैं और आज भी इसका सफलतापूर्वक जो है यूज किया जा रहा है होम्योपैथी में। मेडिसिन का नाम है दोस्तों बुफोराना, BUFO BUFORANA। इनवॉलेंट्री इमिशन मतलब अनजाने में जो है सीमेन का बाहर निकल जाना। इम्पोटेंसी, क्विक डिस्चार्ज, और इसके अलावा बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। मास्टरबेशन की समस्या, मास्टरबेशन की इच्छा इसमें इतनी ज्यादा रहती है कि लोग, इसका जो पेशेंट होता है वो अपने आप को एकांत खोजता है, हमेशा अकेले में रहना चाहता है, तो ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है, मास्टरबेशन की इच्छा। सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान क्विक डिस्चार्ज, स्पर्मेटोरिया की भी समस्या इसमें रहती है दोस्तों, एज वेल एज वीकनेस ऑफ द बॉडी। तो अगर इतनी सारी समस्याएं आपको किसी पेशेंट में है तो आप बुफोराना 200 पोटेंसी की 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर दोपहर के समय ले सकते हैं दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है एग्नस कैस्टस, और एग्नस कैस्टस एक ऐसी मेडिसिन है, इट हैज अ वायलेंट अटैक ओवर द सेक्सुअल ऑर्गन लाइक फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल लवर्स होते हैं, साथ ही साथ ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए परफेक्ट मेडिसिन होती है। इसका जो पेशेंट होता है उसको मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, एनर्जी फील करने के मामले में काफी ज्यादा नर्वस होता है, इम्पोटेंसी की समस्या तो रहती ही है, नो इरेक्शन, कड़कपन होता ही नहीं है, कोल्डनेस सेंसेशन रहता है प्राइवेट पार्ट में, पेनिस कर्व्ड रहता है, स्मॉल रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, मतलब देयर इज नो एनर्जी एट ऑल इन द पेनिस, डिजायर खत्म सी हो जाती है, टेस्टिकल हार्ड रहते हैं, उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है, सूजन सा रहता है और पेनफुल होता है ड्यूरिंग सेक्स। तो अगर इतनी सारी समस्याएं आपको दिख रही हैं तो आप एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आप लेंगे दोस्तों, और इसका रिमार्केबल एक्शन होता है इम्पोटेंसी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो 4 मेडिसिनों का मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन है जिसको पोरस मिक्सचर कहा जाता है। ये पुरुषत्व की क्षमता को बढ़ाती है। उस मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन मिलाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली मेडिसिन है डामियाना मदर टिंचर, दूसरी है अश्वगंधा मदर टिंचर, तीसरी है एसिड फॉस मदर टिंचर और एवेना सेटाइवा मदर टिंचर। इन चारों मेडिसिनों को आप इक्वल प्रोपोर्शन में 100 ml की बॉटल लेंगे, उसमें 20-20 ml करके मिलाएंगे तो आपका 80 ml मदर टिंचर तैयार होगा। 10-20 ml की जो वैकेंट स्पेस रहेगी जिसकी वजह से मेडिसिन को अच्छे से शेक कर सकते हैं और वो शेकिंग में और मिक्सिंग में ज्यादा वो जो स्पेस रहेगा वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप इक्वल प्रोपोर्शन में चारों मेडिसिन लेकर के इसका एक मिक्सचर बनाएंगे और इसका जो डोज होगा वो 15 से 20 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप पानी में, उसको हर बार लेने से पहले थोड़ा शेक करेंगे और मिलाकर के पियेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो कि इम्पोटेंसी को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लगातार 2-4 महीने तक लेने पर बिल्कुल समस्या को खत्म कर सकती है। तो अब मैं प्रत्येक मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं। पहली जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है डामियाना मदर टिंचर। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्पर्मेटोरिया के लिए यूज होती है दोस्तों, इरेक्टाइल डिसऑर्डर के लिए यूज होती है, मैन फोर्स का जो पावर होता है उसका डाउन होना इसके लिए यूज होती है, और एक्सेस सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के कारण जो इशू उत्पन्न हो गए हैं उनको दूर करने में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन एवर इन होम्योपैथी फॉर द सेक्सुअल डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मेंटल डेबिलिटी को डेवलप करती है,
नर्वस एक्सॉशन को ठीक करती है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये समस्या है उसको ठीक करती है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है, साथ ही साथ टेस्टिकल में अगर स्वेलन है, पेन है तो उसको दूर करती है, पेनिस अगर आपका रिलैक्स्ड है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसको इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ सैडनेस, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग को ये दूर करती है, यानी कि उदासीपन को, चक्कर आने की समस्या को, कमजोरी को और शरीर का जो थर थर कांपना होता है कमजोरी की वजह से उसको ये दूर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है उसका नाम हमने बताया एवेनस सेटाइवा। एवेनस सेटाइवा का जो एक्शन होता है वो ब्रेन के ऊपर होता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम के ऊपर में होता है दोस्तों, और यह इंप्रूव करती है न्यूट्रिटिव फंक्शन को, स्पर्मेटोरिया को, इम्पोटेंसी की भी समस्या और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या है उसको भी ये दूर करती है। डोजेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये रहा दोस्तों मेडिसिन के बारे में। मैं फिर से एक बार कहता हूं आपको, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट में दवा लेना बहुत बेहतर होता है, आप चाहे तो हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों आपके कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों इस कमेंट्स को जारी रखिएगा दोस्तों, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिएगा, और अगर आपको कोई समस्या है उस पर कोई वीडियोस आपको नहीं मिल रही हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वीडियो को बनाने के लिए, हमें अच्छा लगेगा देख करके और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे दोस्तों, और वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।